Hello friends, today we are starting revision sessions for maths, and in that we are taking first chapter derivative. Student, as you know, derivative, that we also call it as differentiation, and ye topic aapke liye अब कोई नया जैसा नहीं रहा क्योंकि वी आर नाउ इनटू रिवीजन लेक्चर सो एवरीबॉडी इज नोइंग समवेयर जस्ट आई एम ब्रशिंग अप द फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देन वील बिगिन सॉल्विंग सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंसिएशन का मतलब है डिफरेंस इसमें जो शब्द जुड़ा हुआ है डिफरेंस दैट इज difference as a change in one variable with respect to change in another variable jaise ki hum bol sakte hain ki change in y with respect to change in x और आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो तो चेंज इन डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस सो वेन वी टॉक अबाउट x एंड y चेंज किसमें हमको चाहिए चेंज किसमें चाहिए ठीक है y में With respect to x, किसके कारण ये चेंज हो रहा है y में चेंज किसके कारण आ रहा है x के कारण सो वी यूज टू राइट इट एज dy by dx. हमारा नोटेशन जो है ये है dy by dx. When we talk about some specific variables, like demand के लिए हम d बोलते हैं price के लिए हम p बोलते हैं तो इसके अंदर हम जब इस तरह का डेरिवेटिव नोटेशन में लिखेंगे तो उसके वेरिएबल के हिसाब से हम लिखेंगे चेंज इन डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस दैट वी विल नोट एज डी डी बाई डी पी दिस इज द नोटेशन विच वी आर गोइंग टू यूज टू डिस्क्राइब द चेंज दैट टू डिस्क्राइब द डेरिवेटिव ओके ये आपको सबको मालूम है इनकेस आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स करके तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दिस इज टू बी रिप्रेजेंटेड एज एफ डैश एक्स दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नोटेशन विच यू कैन यूज एज एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन एंड दिस इज अ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन दैट फंक्शन And similarly, when we use given function as in terms of y, then its derivative we are going to represent as dy by dx because this is going to be in with respect to x. Basically, हम लोग generally with respect to x बोलते हैं, ठीक है? बाकी जो भी variable के respect में derivative होगा, वो denominator में आता है. जैसे with respect to price था, तो नीचे dp आया, देखो. With respect to x है तो नीचे dx है denominator देखो उसका so this is what a general idea behind the procedure to write the derivative now let me discuss derivative of standard functions स्टूडेंट कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव आपको ध्यान में होने चाहिए और उसका आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव ऑफ सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फंक्शंस जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं उसका आपको डेरिवेटिव आना चाहिए सो हियर आई एम गोइंग टू राइट टेबल
in which I am going to show how this function is going to be described and its corresponding derivative. So let me give the heading. Suppose a function is described by f of x, or you can say y, then your derivative is going to be denoted as f dash x or dy by dx. So make a table like this. Okay. Very first, I am writing my function as k. Y is equals to k. Yeah, f of x is equals to k. That k belongs to constant. Constant category ka function hai. Then obviously the derivative is going to be the zero. Derivative kabhi bhi jo hoga, wo zero hota hai. Constant ka derivative always zero. Second, if a function is given as in terms of algebraic x raised to n, तो देख लेना बेस में x है, बेसिकली इसका जो फंक्शन एलजीब्रिक का पैटर्न हम देख रहे हैं उसमें बेस में x है, ये जो है उसका बेस है, और उसके पावर में n, n मतलब कांस्टेंट, तो वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, इस तरह का जो फंक्शन है तो इस तरह डेरिवेटिव इसका क्या निकलेगा, तो n जो पावर है वो नीचे आएगा और x के पावर में से n माइनस वन हो जाएगा, x के पावर में से n माइनस वन हो जाएगा. दिस इज व्हाट थर्ड वन, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स का याद डायरेक्टली रखने का कि वन अपॉन एक्स भी एक प्रकार से एक्स रेस टू एन का ही कैटेगरी है. एक्स वन अपॉन एक्स को आप एक्स जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर लेके जाओगे तो एक्स रेस टू माइनस वन हो जाएगा. फिलहाल अभी एक्स के पावर में कुछ नहीं तो वन है, हम लिखते नहीं है भले, बट वेन वी आर गोइंग टू bring it in numerator, it will be in the negative power, means x raised to minus 1 ho jayega. So basically x raised to minus 1 matlab x raised to n ka hi ek case ho gaya. So this is also an algebraic only, but we are going to remember it separately as it is going to be asked recurringly. So therefore we want direct derivative cases ka nikal payega, isliye hum log iska derivative hoga माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर. चलिए फोर्थ, रूट एक्स. अगेन रूट एक्स इज अ केस ऑफ एलजीब्रिक ओनली, बिकॉज व्हेन वी रिमूव इट्स रूट, रूट निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू वन अपॉन टू हो जाएगा, एक्स रेस टू वन अपॉन टू हो जाएगा, एंड देयरफॉर एक्स रेस टू हाफ means x raised to n is a case of x raised to n algebraic category. So iska directly derivative apne ko nikalne ke liye hota hai 1 upon 2 root x, 1 upon 2 root x. This is what fourth one done. Fifth, let me take a exponential function as a raised to x. You know a raised to x is an exponential function as a in the base, jo hai wo hamare liye koi bhi नंबर है, और साथ में जो पावर में है वेरिएबल वो आपको दिख रहा है. सो दिस इज नंबर रेस टू वेरिएबल, जो एलजीब्रिक जो था वो एक्स रेस टू एन था, वेरिएबल रेस टू नंबर, यहाँ नंबर रेस टू वेरिएबल है, ए इज अ नंबर. सो हियर द डेरिवेटिव विल बी ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स रखने का, और लॉग ए अलग से उसका मल्टीप्लीकेशन में आएगा, वट एवर द ए टर्म इज देयर उसका अपने को लॉग के साथ अलग से मल्टीप्लीकेशन में लेना है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए. सिमिलरली यहाँ पे अपने पास ई रेस टू एक्स का भी टर्म एक है, वो जो एक्सपोनेंशियल के केस का ही है, एक्सपोनेंशियल दोनों एक्सपोनेंशियल के कैटेगरी के हैं. सो अगेन ई रेस टू एक्स का जब भी डेरिवेटिव होगा तो ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा, बट द लॉग ई इज वन, लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, वन. सो लॉग ई का वन होने से हमारा लास्ट कंक्लूजन खाली e raise to x बचता है, therefore e raise to x का derivative e raise to x, remember e raise to x का derivative e raise to x, and finally if I
have logarithmic term, logarithmic function, log x. Log x ka derivative yaad rakho, 1 upon x. So these are some standard derivatives which you have to remember and which is very much essential for solving further questions. Next, kuch main aapke samne rules of derivative pesh kar raha hoon. This is done. And this is already available with you. So this is not new thing we are looking for the first time. This is already done and just you have to repeat. And ye aapko remember, yaad rakhna hi hai because iske bina chalne wala nahi hai. Chaliye. Next main aata hoon. Rules of differentiation. ये कुछ तो अभी भी जो मुद्दे चल रहे हैं वो 11th के बेस के ही चल रहे हैं स्टूडेंट्स. फिलहाल मैं ये सब 11th का ही पार्ट रिपीट हो रहा है, बट इट इज टू बी डन प्रायर टू वी व्हाट वी स्टार्ट फॉर 12th. सो ये जरूरी था इसलिए थोड़ा बहुत मैं फास्ट ट्रैक पर रिवाइज करा देता हूँ. फर्स्ट रूल जो है, इफ y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे y का, दैट मींस dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इज इक्वल टू, तो पहला टर्म u का है उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा और दूसरा टर्म v है उसका भी डेरिवेटिव निकलेगा. सो इट विल बी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. ध्यान रखना, जब भी हम ऐसे दो या तो दो से ज्यादा टर्म्स के लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से जब डेरिवेटिव निकालते तो एक एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकलेगा. यहाँ भले मैंने दो ही टर्म लिए हुए हैं यू एंड वी, एंड दैट इज रिलेशन ऑफ प्लस, दैट कैन बी ऑफ नेगेटिव रिलेशन. सो यू प्लस वी का रिलेशन है तो डेरिवेटिव दोनों का अलग से, यू का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से अलग से निकलेगा. इफ आई टेल इन दिस ओनली कि समझ लो मैं इसी रूल में आपको प्लस और माइनस के साथ, माइनस भी हो सकता है बीच में, तो भाई साहब बीच में माइनस रहने दो और दूसरी जो भी बात मैंने रखी है की है वो एज इट इज रहेगी. यू का अलग से, वी का अलग से डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, बीच में प्लस हो या बीच में माइनस हो. सेकेंड पार्ट इसमें मैं दिखाता हूँ, जो वाई है जो फंक्शन है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ के इंटू यू, वेर के इज अ कोएफिशिएंट, k is a coefficient of u and k is a constant coefficient I should say. So k ho jo u ka jo hai wo coefficient mein hai aur wo k constant hai. To jabhi bhi hum derivative nikalenge, that is dy by dx, at that time k will be coming outside. K ka jo term hai constant ka wo bahar aa jayega aur derivative jo niklega wo khali u ka niklega. So that will be du by dx. So this is what, whenever the coefficient is there, the coefficient will remain as it is, while the derivative jo function rahega uska niklega. That means yahan pe u ka derivative niklega, that means k into du by dx. Third rule basically is about, we can say, product rule. If y is equals to u into v, suppose u or v do function hum kabhi se consider karke aage badha rahe hain ki bhai, और दोनों का रिलेशन यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तो जब हम इसका रूल अप्लाई करते हैं, रूल एक्सपांड करते हैं कि भाई dy by dx का हिसाब क्या बनेगा, सो u और v दो एक दूसरे से प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है. u फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है ना. ऑर्डर में किसी को भी पहले बाद में रखो वांदा नहीं है, बिकॉज दे आर इन टू द रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सो जैसा ये प्रोडक्ट रूल मैंने बताया कैसे एक्सपांड करना है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज वी, दैट मींस इट विल बी डीवी बाय डीएक्स प्लस वी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यू दैट इज डीयू बाय डीएक्स. सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रूल, और हम लोग बोलते हैं यू इंटू वी रूल, है ना, इस तरह से अप्लाई करने का. पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, plus second function as it is, derivative of first. Likewise, you have to remember. चलिए अब हम
कोशेंट रूल पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं यू अपॉन वी रूल, यू बाय वी रूल के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे और इसमें डेरिवेटिव का जो रूल, जो फॉर्मूला है, जो प्रोसीजर है, वो कैसे फॉलो करना है, रिमेम्बर यहाँ उल्टा लेना है। वी जो है पहले लेते हैं हम, वी एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ यू दैट इज डी यू बाई डी एक्स, और बीच में माइनस आएगा, फिर यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ वी दैट इज डी वी बाई डी एक्स। और मेहरबानी करके ये माइनस के बाद का जो भी है वो माइनस के कारण अंदर साइन चेंज होगा जब भी ब्रैकेट ओपन होता है, तो इसलिए ब्रैकेट पहले से कर देना वो हमारे लिए एडवाइजेबल है। अपॉन वी स्क्वायर, अपॉन वी स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा अपने को देखना है भाई। पहले वी से शुरू होता है, वी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी होल अपॉन वी स्क्वायर। दिस इज व्हाट प्रॉपर एक्सपेंशन यू हैव टू कंसिडर। यहाँ पे इस तरह से आपको रूल अप्लाई करना है जब भी इस पैटर्न में फंक्शंस दिए होंगे, टू फाइंड डेरिवेटिव वी सपोज टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट फिफ्थ वन जो है ये अगेन प्रोडक्ट रूल है, लेकिन तीन चीज का प्रोडक्ट है, तीन फंक्शन है, वी यू वी एंड डब्ल्यू। देख लो जैसे कि थर्ड रूल में देखो अपन ने वी यू इंटू वी रूल, दो ही फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है। यहाँ हमारे पास u, v एंड w तीन प्रोडक्ट, तीन टर्म का प्रोडक्ट है, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है। सो इन दिस सिचुएशन अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई तो होगा है, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ चीज ध्यान रखनी है। देखो सो dy by dx इज इक्वल्स टू, dy by dx इज इक्वल्स टू, पहले तो दो कोई भी फंक्शन एज इट इज रखना, जैसे कि u, v, w में से u और v में एज इट इज रख रहा हूँ, u into v एज इट इज, और तीसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, तीसरा मतलब डब्ल्यू फर्स्ट बचता है, मैंने पहले दोनों को एज इट इज, किसको दोनों को एज इट इज रखा, यू और वी को, तो तीसरा कौन बच गया, तो डब्ल्यू, उसका डेरिवेटिव लेंगे। फिर आप कुछ दूसरे दो को एज इट इज रखोगे, जैसे कि नेक्स्ट टू टर्म्स मैंने को लेना है समझ लो यू और डब्ल्यू, तो भाई साहब डेरिवेटिव जो आएगा वो वी का आएगा, और लास्ट में दूसरे दो जो बचे हुए पैर होंगे उसको आप कंसीडर करो, दैट इज वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ यू डी यू बाय डी एक्स। देखो बारी बारी से दो को एज इट इज रखा, एक एक का डेरिवेटिव लेते गया, पहले बार में मैंने यू और वी को एज इट इज रखा, तीसरे को डब्ल्यू को डेरिवेटिव लिया मैंने, फिर यू डब्ल्यू को एज इट इज रखा, वी का डेरिवेटिव लिया, फिर वी डब्ल्यू एज इट इज रखा, यू का डेरिवेटिव लिया। अब ये कैसे भी आप आगे पीछे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी दो को पहले एज इट इज रखो, बाद में कोई भी ऑर्डर में रहेगा उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज बीच में क्या है प्लस, सो द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट प्रॉपरली ये तीनों तीन टर्म्स आपके आ जाने चाहिए। सो दीज आर द रूल्स ऑफ डेरिवेटिव एज यू नो, एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट function, composite function. Let me introduce, give heading derivative of composite functions. Now again I would like to recall the basic standard derivative के जो हमने फंक्शन का जिक्र किया है, जिसमें कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में लिखवाया हुआ था आपको टेबल जो अभी हमने कंप्लीट किया है, उसी के आधार पे हम कंपोजिट फंक्शन का हिसाब डेरिवेटिव का देखते जाएंगे। ये सिंपल फंक्शंस थे हम बोल सकते हैं बेसिक, मगर इसी के कंपोजिट फॉर्म्स बन जाएंगे। जैसे कि कौन से का कंपोजिट फॉर्म बनेगा, तो सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सेवेंथ का, ये सब का कंपोजिट फॉर्म बनेगा। जो देखो फंक्शन भी कंपोजिट फॉर्म में आएगा तो उसका डेरिवेटिव भी कैसे निकालना चाहिए, इसका डिस्कशन मेन रहेगा। अल्टीमेटली हमारी बात डेरिवेटिव पे आके समाप्त होने वाली है। हमको फंक्शन का नेचर तो पता होना चाहिए, लेकिन साथ में फिर वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने को भी हमको आना चाहिए ना। मेन हमारा बात किसका चलता है, डेरिवेटिव। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन टेबल लाइक दिस एंड आई विल बी शोइंग
each of these functions composite version. So let me come to the table part. Now again, you give the heading f of x as my original function, or you may say y, and correspondingly I am going to have its derivative. So next column regarding derivative, that is f dash x, or when we are writing with y, it will be dy by dx, dy by dx. कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट के लिए कोई अपने को कंपोजिट फॉर्म कंसिडर करना नहीं रहता है. और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेन वी आर डीलिंग विथ दिस कंपोजिट फंक्शन, नो जो भी आपका हिसाब होगा उसमें x के जगह पे f of x रिप्लेस करके लेंगे. x के जगह पे कौन आ जाएगा? f of x. मतलब यहां मैं कंपोजिट फॉर्म की जब मैं बात करता हूं तो मैं इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन करता हूं कि फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन होना, इसको हम कंपोजिशन बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. तो जिधर भी x है, देख लो आप जितने बेसिक फंक्शंस को मैंने हाईलाइट किया इधर, जिसको टेबल मैंने जिसका भी बना के रखा है जिसके लिए भी, तो वो सभी में जिधर भी x रहेगा उसमें आप f of x का रिप्लेसमेंट करके लेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे देखना है आपको, जितने भी x का टर्म आपको दिख रहा है, x x x x x, तो x raise to n में x, 1 upon x में x, root x में x, a raise to x में x, e raise to x में x, log x में x, ये सभी x के लिए आप replacement दे दोगे आपका f of x. So how I am going to write first algebraic function in terms of composite function. तो f of x raise to n था, तो यहाँ हो जाएगा मेरा f of x raise to n. भाई साहब देख लो, तो ऊपर का पावर रेस टू एन तो है ही, तो रेस टू एन होने के कारण जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एन नीचे आएगा, और एफ ऑफ एक्स जो है उसके पावर में से एन में से कम हो जाएगा. ये तो बात थी करने जैसी, ये तो हमने बोला ही है, इतना प्रोसेस तो करना ही करना है, ये तो डेरिवेटिव का था ही प्रोसीजर. बट एफ ऑफ एक्स जो अंदर छुपा हुआ है उसका भी हमको ध्यान रखना है, उसका भी अलग से डेरिवेटिव लेना है. सो इनटू मल्टीप्लाई करके आपको उस एफ ऑफ एक्स का भी अलग से डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर आपको आगे लेना है. एंड हियर ओनली माय फुल डेरिवेटिव इज कंक्लूडेड, मतलब मेरा अभी ही डेरिवेटिव लेके पूरा खत्म होता है. इसके बिना मेरा डेरिवेटिव अधूरा था. अंदर का फंक्शन का डेरिवेटिव कौन लेगा? व्हेन यू आर फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ होल, यू सपोज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड That bracket also, no? कि आपने पावर का डेरिवेटिव ले लिया, एन नीचे लाया और ऊपर पावर में से एक का वन कम करके ले लिया, वन डिडक्ट करके ले लिया, लेकिन अंदर जो एफ ऑफ एक्स पड़ा था उसका अलग से डेरिवेटिव लेने का बाकी था, वो तो आपने बाद में लेना पड़ेगा ना, उसको थोड़ी छोड़ेंगे हम. सो दिस इज वॉट फर्स्ट थिंग वी हैव फिनिश्ड एज पर द एफ ऑफ एक्स रेज टू एन. वेरी इंपॉर्टेंटली द सेकेंड फंक्शन वॉट वी हैव टेकन, हम उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज फर्स्ट वन जिसमें कि हमारा कंपोजिट फंक्शन का बेसिक जो था उसके साथ मैंने कंपेरिजन करना था, और उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ूंगा. नेक्स्ट वन इज वन अपॉन एक्स, उसके हिसाब से आप देखो तो मेरा बनेगा वन अपॉन एफ ऑफ एक्स, है ना. एक्स के जगह पे क्या लिखना है? एफ ऑफ एक्स. तो मेरा ये कंपोजिट फंक्शन बन गया. इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? देखो वन अपॉन एक्स का क्या था, तो क्या माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है. और साथ में अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ले गए अलग से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर है, तो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर होना है.
और उसके साथ साथ प्रोडक्ट करके उसका एफ डैश एक्स का मल्टीप्लीकेशन रिलेशन आपको अलग से प्रोडक्ट में लेना है. सो दिस इज व्हाट वन अपॉन एफ ऑफ एक्स. द नेक्स्ट वन आफ्टर दैट वॉज रूट एक्स. दिस इज डन रूट एक्स. सो माई कंपोजिट फंक्शन विल बी रूट एफ ऑफ एक्स. सो आई विल बी मेंशनिंग हियर रूट एफ ऑफ एक्स. तो पहले तो डेरिवेटिव रूट का निकलेगा. दैट मीन वन अपॉन टू रूट एक्स. सो इट विल बी वन अपॉन टू रूट एफ ऑफ एक्स एंड देन सेपरेटली मल्टीप्लाई करके एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एज एफ डैश एक्स अलग से निकलेगा. दैट इज वॉट द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. फोर्थ वन देर वॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सी ए रेज टू एक्स. सो एक्स के जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स. सो इट विल बी ए रेज टू एफ ऑफ एक्स. ए रेज टू एफ ऑफ एक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स रहा था, वैसे ए रेज टू एफ ऑफ एक्स का भी ए रेज टू एफ ऑफ एक्स ही रहेगा. और लॉग ए अलग से हम लेते हैं वैसा लॉग ए आएगा. बट फाइनली मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव एज एफ डैश एक्स सेपरेटली लेना पड़ेगा. एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अलग से आएगा. Similarly, it was e raised to x के जैसे e raised to f of x आएगा. So again e raised to f of x जैसे e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x रहता था, वैसे e raised to f of x का e raised to f of x ही रहेगा. log e करने का तो मतलब नहीं है, because log e one होता है, इसलिए हम लोग वो मल्टीप्लीकेशन में लिखने का सोचते नहीं है. डायरेक्टली e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही लिखेंगे, वैसे e raised to f of x का e raised to f of x, but f of x का अलग से डेरिवेटिव f dash x भी आएगा. अलग से f dash f of x का डेरिवेटिव अलग से f dash x भी आएगा. सो दिस इज वॉट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. नेक्स्ट सिक्स्थ वन फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन एज लॉग एक्स का कंपोजिट फॉर्म बनेगा लॉग एफ ऑफ एक्स. एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स. सो हियर व्हेन वी आर फाइंडिंग लॉग का डेट दिस विल बी वन अपॉन. सो वन अपॉन वॉट एफ ऑफ एक्स एंड मल्टीप्लाई में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग से f dash x. So this is what the composite forms which we have written as comparing to the basic functions that was earlier written. And सभी का मैंने composite form करके आपको उसका derivative बना के दिखाया है किस तरह से हम consider करते हैं. Now after completing this part, let me come on the first type of the derivative. As you know, there are different methods, different natures in which we are going to find the derivative in this whole chapter. As you know, there are derivative of inverse function, as this, it was the derivative of composite function. Similarly, there was a derivative of inverse function. So next we are going to consider this. This was derivative of composite function, and this one I am going to take as inverse function. ठीक है. तो स्टूडेंट्स लेट मी गिव ब्रीफ डिटेल अबाउट दिस टाइप ऑफ डेरिवेटिव एंड देन आई वुड लाइक टू गो विद द क्वेश्चंस. फ्यू क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू टेक. इफ सपोज वी हैव प्रोवाइडेड एक्स इज इक्वल्स टू phi y square minus 2y plus 5. And if they are going to ask, find dy by dx. So students, normally हमारा क्या approach रहता है कि y करके हमको function दिया रहता है. So let's say y is equals to something in 5x square minus 2y plus whatever I have written here in terms of x. I have to mention that is
And suppose in this case, if I want to find dy by dx, then I can find directly dy by dx because y is expressed in terms of x. So 5x square का derivative 2 नीचे आएगा, 10x minus 2x का 2 plus 5 का 0. So ये directly dy by dx निकल गया. लेकिन student यहाँ पे x को describe किया है, x को express किया in terms of y. So when I find derivative, I will get dx by dy. When I find derivative x with respect to y, then I will get dy dx by dy. But I don't want dx by dy. I want dy by dx. So finally, dy by dx निकालने के लिए क्या करने का? So first of all, मैं ये find out करके dx by dy find out करके एक बार मैं आगे बढ़ूंगा. Because I don't have any choice. So here, differentiating with respect to x. So with respect to y. So here I am going to get dx by dy. 5y square ka derivative 10y minus 2y ka 2. That's it. And now, as I want dy by dx, so what I need to do, I have to have inverse, that is 1 upon dx by dy. So basically kya hota hai, ye jo 1 upon mein maine likha hai pura bracket, ye pura mera bracket jo hai wo denominator, this is my denominator, full denominator, and in that denominator if you observe this dy is also at denominator place. So I have denominator as denominator. So whenever this thing is happening, this dy is going to be there in the numerator. Samajh aa raha hai? Jaise ki main likhun a upon b upon c upon d. So when I'll simplify this, a upon b, this will go multiplication, to iska reciprocal ho jayega d upon c. So this d jo hai denominator ka denominator d, ye automatically numerator mein chala gaya, dekh lo. Aa gaya na numerator mein. So this way we can have here dy jo hai automatically upar jayega aur uske karan wo dy by dx ban jana hai. So dy by dx mere ko mil jana hai finally. So 1 upon what was the dy dx by dy 10y minus 2. That's it. So this is what our answer dy by dx. Ye maine ek chota example liya students. तो इस तरह से इन्वर्स करके आप dy by dx निकाल सकते हो as you have to find क्या करना था dy by dx. But आप dy by dx जो इनिशियली फंक्शन दिया है x is equals to y के टर्म में, उसमें से आप dy by dx नहीं निकाल पाओगे. So you need to find dx by dy. जबरदस्ती आपको dy by dx के लिए dx by dy निकालना ही पड़ा, और वो dx by dy को आप 1 अपॉन करके लेके उसका, तो ये फॉर्मूला बन गया. ये फॉर्मूला बन गया. मतलब अभी क्या है, बस इसका यूज करना है, इसका आपको यूज करना है. So we will consider a question from a miscellaneous exercise. आ जाइए आपके textbook में question number 5th. Few question I am going to take from miscellaneous exercise as a revisional questions. Question number 5th. देखो क्या instruction लिखा है. Find the rate of change of demand, that is x, of a commodity with respect to its price y
if y is equals to 5x plus 7 upon 2x minus 13. देखो सुनो, इंस्ट्रक्शन बराबर पढ़ने का है. वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज मींस डेरिवेटिव, है ना. रेट ऑफ चेंज इन द सेंस डेरिवेटिव. डिमांड का डेरिवेटिव निकालना है, एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सिंस एक्स हियर डिनोटेड एज डिमांड एंड वाई इज डिनोटेड एज प्राइस and we have to find derivative of x with respect to y, x with respect to y. That means you have to find dx upon dy. What do you have to find? Dx upon dy. This is what you have to find. First of all, आपको y is equals to जो function दिया है x के term में, इसका आप जब derivative निकालोगे तो y का derivative with respect to x निकलेगा, मतलब dy by dx निकलेगा. तो dy by dx निकलेगा, हमको तो चाहिए dx by dy. So let me first take the function y as given 5x plus 7 upon 2x minus 13. And now you are going to differentiate, means you are going to find derivative of y with respect to x. So differentiating with respect to x. So you are going to get dy by dx. You are going to get dy by dx. So yahan bhi dy by dx निकालने का है. आपको जो फंक्शन दिया है उसमें 5x plus 7 जो पूरा न्यूमरेटर है, दिस इज 2x minus 13 डिनोमिनेटर, u upon v rule के हिसाब से निकलेगा इसका डेरिवेटिव. सो v एज इट इज, न्यूमरेटर को हम u कंसिडर करेंगे, डिनोमिनेटर को v कंसिडर करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम v एज इट इज, हमने किया ना u इंटू वी रूल, u बाय वी रूल, ये सब रूल के हिसाब से इसमें u बाय v का रूल लागू कर होएगा. सो 2x माइनस 13 एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 7 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज 2x minus 13 whole upon v square, that is 2x minus 13 the whole square. V as it is derivative u minus u as it is derivative v upon v square. और देखो minus के बाद मैंने वो जो भी लिखा है पूरा bracket में लिखा है, so as to जब वो open होगा तो sine का हिसाब change होना अपने को ध्यान में रहेगा. So v as it is a 2x minus 13 as it is into derivative of 5x plus 7, mein 5x ka derivative 5, 7 ka to 0 constant hai, minus 5x plus 7 as it is hai, aur 2x minus 13 ka derivative 2x ka 2, 13 ka to 0, whole upon v square, that is 2x minus 13 the whole square. Okay, further हम इसको simplify करेंगे, 5 को bracket के साथ multiply करेंगे और 2 को उसके 5x plus 7 के bracket के साथ multiply करना है correspondingly. तो 10x minus 65 minus, और मैं bracket भी open कर लेंगा जैसे कि मैंने को sign भी change करने के लिए होना है. Y to the 10x plus 7 into 2 plus 14, this will become minus 14 when the bracket is opened. 2x minus 13 the whole square, and the next 10x minus 10x will be cancelled. Minus 65 minus 14 minus 79 upon 2x minus 13 the whole square. This we are
having dy by dx. हमको क्या मिला ये dy by dx. क्या मिला हमको ये dy by dx. So now we are going to find dx by dy as per requirement, that is dx upon dy, we are going to have 1 upon dy by dx. So simple. So क्या करने का 1 upon dy by dx जो हमने find out किया ना, इसको मैं number 1 दे देता हूँ. So we can write here dy by dx minus 79 upon 2x minus 13 the whole square. 2x minus 13 the whole square. और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है, दैट मींस दिस 2x minus 13 the whole square, इट विल बी गोइंग इन द न्यूमरेटर. सो दिस इज गोइंग टू बी 2x minus 13 the whole square upon minus 79. Minus you can keep in the between also, in the numerator you can show it like this. You can leave minus 2x minus 13 the whole square upon 79. This is what the required answer, dx by dy. That means you got your answer as change of demand with respect to price. So student, inverse ka is tarah se hame 1 upon karke, whether you want to find dy by dx from dx by dy or dx by dy from dy by dx, kaise bhi aap usko inverse ke hisab se consider karna. Maine jaise example mein bhi bataya, dx by dy hum logo ko हमने पहले फाइंड किया, मगर उसमें से हमको dy by dx ढूंढना था, तो 1 अपॉन कर लिया. सो दिस इज वन स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ इनवर्स फंक्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें लॉगरिथमिक डिफरेंसिएशन वी हैव टू कंसिडर. लॉगरिथमिक डिफरेंसिएशन, पहले तो लॉगरिथमिक डिफरेंसिएशन है क्या वो हम समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे. एज वी नो फंक्शंस लाइक एक्स रेस टू एन, ए रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू एन में क्या है, वेरिएबल रेस टू कॉन्स्टेंट. और a रेस टू x में क्या है, कॉन्स्टेंट रेस टू वेरिएबल. एज इट इज एक्सपोनेंशियल एंड x रेस टू n इज एलजेब्रिक. और इसके दोनों के डेरिवेटिव डायरेक्टली हमारे पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है. लेकिन थिंक अबाउट दिस x raised to x, यहां अपने पास वेरिएबल raised to वेरिएबल है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपके सामने अवेलेबल नहीं है. हाउ डू वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस? सो लेट मी find derivative of x raised to x by considering y is equal to, समझो आपको क्वेश्चन ही दिया है y is equal to x raised to x, और इसका मैं ऐसे भी आपके miscellaneous exercise में question number 6 दिया हुआ है. तो x raised to x का तो कोई directly अपने पास derivative available नहीं है, तो इस सिचुएशन में हमें दोनों साइड
log introduce करना है, taking log, both sides. And as you know, logarithms की property है log m raised to n is equals to n log m. तो power नीचे आ जाता है और पावर नीचे आने के कारण बाद में सिंप्लीफिकेशन इजी बन जाएगा. तो ये x जो पावर में है, सेम सिचुएशन, log x raised to x, x will come down at base, so x log x हो जाएगा. यहाँ पे रीजन में ये रूल लिख लेना. तो ये अब आपको डिफरेंशिएट करना इजी बन जाएगा. अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. So log y का 1 upon y और फिर y का अलग से dy by dx और x log x का x into log x है u into v के रूल से. x as it is log x का 1 upon x plus log x as it is x का 1. x x cancel, 1 upon y into dy by dx is equals to 1 plus log x. Therefore, dy by dx, y को उधर शिफ्ट करेंगे, y into 1 plus log x, and y as our original question, जो function है हमारा, उसको number 1 करके रखेंगे, और वो y की value x raised to x यहाँ replace कर देंगे, x raised to x into 1 plus log x from 1. So this is what your final answer dy by dx as required. मगर ये आप देखो कि मेरे को log लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये पावर में वेरिएबल है. ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं है कि इसका कभी अपने पास स्टैंडर्ड डेरिवेटिव अवेलेबल हो, तो उसको जबरदस्ती हमको नीचे लाना पड़ा, और वो लाने के लिए log की प्रॉपर्टी ही काम में आनी थी, तो log इसलिए हमको इंट्रोड्यूस करके लेना पड़ा. तो दिस इज अ स्पेशल सिचुएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का अभी इस प्रकार से हम थोड़ा बात आगे बढ़ा सकते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएगी कि जब भी पावर में कोई वेरिएबल अवेलेबल हो गया, पावर में कोई फंक्शन अवेलेबल हो गया. फॉर एग्जांपल मैं इधर इस तरह से लिखता हूँ, कोई फंक्शन के पावर में वेरिएबल है या वेरिएबल के पावर में फंक्शन है. तो ये जो पावर के पोजीशन का जो भी टर्म है, जो वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल हो सकता है, उसको अपने को नीचे लाना पड़ेगा. तो नीचे लाने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए लॉगरिथम्स का यूज करना पड़ेगा, लॉग इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ना पड़ेगा. सो हियर द पर्पस बिहाइंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन. प्रायर टू दैट हमें लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस करके उसको सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव लेना है. डायरेक्टली डेरिवेटिव लेने नहीं मिलेगा. जैसे यहाँ लॉग इंट्रोड्यूस हुआ, लॉग के फॉर्मूला से, रूल से हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ तक, और फिर डेरिवेटिव लेना हमें शुरू करना पड़ा. तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, डिफरेंशिएट लॉग अप्लाई होने के बाद. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कभी लॉग लेने का, दैट मीन्स इवन यू गॉट वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल वाला सिचुएशन एट दैट टाइम. So, in some other questions also, in miscellaneous question number 8, जैसे कि इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जरूरी बन जाता है. देखो अभी है तो ये एक्चुअली रूट एफ ऑफ एक्स का केस, लेकिन इतने टर्म्स अपने पास अंदर है, इतने सारे अपने पास अंदर फंक्शंस
अवेलेबल है कि इसका रूट के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना विच इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज बहुत इसमें टीडीएस जॉब हो जाएगा हमारे लिए. तो ये रूट को हम अलग करके इसका लॉग से हम सिंप्लीफिकेशन करके फिर डेरिवेटिव निकालने का हिसाब देखेंगे तो वो इजी बन जाएगा. सो सेकंड मेरा पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि लॉग लेना ये सिचुएशन में भी कंपलसरी बन जाता है. पहला हमारा सिचुएशन क्या था तो कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का हिसाब, वहां पे लॉग कंपलसरी लेके आगे बढ़ना है. और दूसरा ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है जिसमें भी लॉग लेने के पीछे का इंटेंशन अपने को समझ में आना चाहिए, व्हाई वी नीड टू टेक लॉग इन दिस केस. तो यहाँ पे पहले तो मैं ये रूट को निकाल लेता हूं, दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4 क्यूब अपॉन x प्लस 1 रेज टू 4 इंटू x प्लस 2 होल रेज टू हाफ. रूट निकलता है तो रेज टू होल हाफ. अब हम taking log both sides, log y is equals to log 3x minus 4 whole cube upon x plus 1 whole raised to 4 x plus 2 whole raised to half. अब ये आपको पता है log so log y is equals to half log 3x minus 4 whole cube upon x plus 1 whole raised to 4 into x plus 2. ये कौन सा रूल हो गया, यहाँ रीजन में लिखो log m raised to n is equals to n log m. ठीक है, अब ये log का प्रिंसिपल आगे और अप्लाई होने के लिए देखो ये ब्रैकेट के अंदर ये न्यूमरेटर इतना पार्ट और ये डिनोमिनेटर, दिस इज लॉग एम अपॉन एन. सो हाफ तो बाहर रहेगा पहले से मल्टीप्लिकेशन में, अभी मैं लॉग एम अपॉन एन का रूल अप्लाई करूंगा. दैट मीन्स लॉग 3x माइनस 4 क्यूब माइनस लॉग, ये दोनों ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन में, तो एक और ब्रैकेट करता हूँ, लॉग x plus 1 whole raised to 4 into x plus 2. ये कौन सा रूल हो गया, log m upon n, that is log m minus log n. वापस ब्रैकेट के अंदर यहाँ दिखता है लॉग एम रेस टू एन, दिस इज 3 लॉग 3x माइनस 4 एम लॉग एन, और यहाँ पे माइनस लॉग एम इंटू एन, ये दोनों ब्रैकेट जो है ये एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन. सो लॉग x plus 1 raised to 4 plus log x plus 2. बराबर है, यहाँ पे भी ये रूल यूज हुआ है जो आप मेंशन करो उसके रीजन में, log m into n is equals to log m plus log n. और ऑलरेडी ये वाला रूल तो हमने लिखा ही है, रिपीट हुआ है. वापस यहाँ log m raised to n एंड log x plus 1 raised to 4 जो है, log y is equals to 1 upon 2 into 3 log 3x minus 4 minus 4 log x plus 1, और मैं ब्रैकेट भी ओपन कर लेता हूं तो अंदर ये माइनस हो जाएगा, माइनस
log x plus 2। अब आप देख लीजिए सब सिंप्लीफिकेशन हमारा हो चुका है, लॉग के रूल्स अप्लाई होके सब पूरा फंक्शन जो है वो जो पूरे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिखता था स्टार्टिंग में, अभी ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया। तो अभी हमको एक एक का अभी डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास ये 3 log 3x - 4, 4 log x + 1, log x + 2 सबका अलग अलग डेरिवेटिव लेने के लिए मिलेगा और इजीली हम कर पाएंगे। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y और y का dy/dx। 1/2 तो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा, कोएफिशिएंट ब्रैकेट के बाहर एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये 3 log 3x - 4 में भी 3 कोएफिशिएंट एज इट इज, log 3x - 4 का डेरिवेटिव 1/3x - 4 और वापस से डेरिवेटिव 3x - 4 का, क्योंकि कंपोजिट फॉर्म है, log f(x) का कंपोजिट फॉर्म है, माइनस 4 log x + 1 में 4 कोएफिशिएंट एज इट इज, log x + 1 का 1/x + 1 और अलग से x + 1 का डेरिवेटिव, माइनस log x + 2 का 1/x + 2 और डेरिवेटिव ऑफ x + 2 सेपरेटली, ब्रैकेट रखना बार हाफ मल्टीप्लीकेशन में है, 1/y dy/dx हाफ इनटू, जो भी डेरिवेटिव निकालना भी बाकी है, जिन लोगों के पीछे dy/dx है उसका अभी भी डेरिवेटिव हमको निकालना है, वो डेरिवेटिव निकल के उसको न्यूमरेटर में रख सकेंगे हम। तो ऑलरेडी ये 3 तो है ही न्यूमरेटर में और 3x - 4 का डेरिवेटिव 3x का 3/3x - 4 माइनस 4x + 1 का डेरिवेटिव 1x का 1, 1 का तो 0 / x + 1 माइनस x + 2 का 1/x + 2। अब मैं ये y को भी वहां ट्रांसफर करूंगा, सो आई नीड प्रॉपर आंसर ऑफ dy/dx ओनली, सो y/2 इनटू दिस इज 9/3x - 4, 4/x + 1, 1/x + 2। देखो डेरिवेटिव तो हो चुका है, अभी खाली ये y के टर्म को रिप्लेस करके मुझे फाइनलाइज करना है। तो y वाज माय ओरिजिनल क्वेश्चन, y ओरिजिनल फंक्शन है जो उसको मैं नंबर 1 करके रखता हूँ, वो पूरा यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सो y रिप्लेस करके वन अपॉन टू और y का जो अपना क्वेश्चन है वो आप रिपीट करो, √3x - 4 whole cube / x + 1 whole raised to 4 × x + 2 × 9/3x - 4, 4/x + 1, 1/x + 2। कुछ भी अपने को y के टर्म में छोड़ना नहीं है, y is to be replaced finally when it is differentiated। तो 1/2 अभी जो बाहर है उसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं द फाइनल स्टेप, या अभी इधर भी आप छोड़ सकते हैं, दिस वे वी कैन कंक्लूड। और वन फाइनल स्टेप बाय टेकिंग 1/2 इनसाइड दिस ब्रैकेट, सो √3x - 4 whole cube / x + 1 whole raised to 4 × x + 2 into 9
upon 2 into 3x minus 4 minus 2, नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा 4 के साथ, तो 2 upon x plus 1 minus 1 upon 2 into x plus 2. This way also we can conclude. So basically log लेने के लिए मेरे पास दो intention अभी तक यहाँ हमने जो क्वेश्चन देखे उसमें क्लियर होता है कि इस तरह से अभी कॉम्प्लेक्स नेचर के फॉर्म में रहेगा तो वी कैन रिमूव लॉगरिथम के प्रिंसिपल से उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे और उसके कारण उसका डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा. एंड वन मोर द इम्पोर्टेंट हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि भाई जहाँ पे अपने को लॉग कंपल्सरी लेना पड़ता है दैट वॉज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल सिचुएशन. सो विच इज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव फिनिश्ड. One is inverse function का derivative and one is logarithmic differentiation. Rest other types of derivative we will take in the next lecture. Thank you. Okay.